हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग एल्गोरिथम। मेरा नाम राघव है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि गेट में सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं तो आपको क्या ऐसा एफर्ट लगाने चाहिए, क्या क्या अपना टाइम आप कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। बेसिकली एक स्ट्रेटजी वीडियो है, 4 महीने में हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी मार्क्स में, हमारी रैंक में इंप्रूवमेंट हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सितंबर ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आज 30 सितंबर है, सितंबर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने आपके बचे हैं और फेब के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। तो यार, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जो भी थोड़ा बहुत बचा है, जो भी आपको लग रहा है एक दो टॉपिक छूट रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उनको आप धीरे धीरे कंप्लीट कर लो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन आपको कैसे करने को, रिवीजन करने की बहुत सारी टेक्निक होती है। रिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं पर सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं। PYQs बोलते हैं बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेते हैं। ये सारी गलती नहीं करनी है। आप सपोज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढंग से पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक पॉइंट पढ़ो। बोलते हैं ना, पहला जो रिवीजन होता है ना, उसमें आपको हर एक चीज़ पढ़नी। पहले रिवीजन में आपको कम से कम 10-12 दिन आराम से देने एक सब्जेक्ट को, ये दिमाग में आपको मान के चलना है। हाँ, कोई जैसा छोटा सब्जेक्ट, सपोज जैसे आपका कंपाइलर डिज़ाइन है, वो आपका हफ्ते भर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज कर रहे हो, तो आप 12 दिन दे रहे हो सब्जेक्ट के लिए, तो उन 12 दिनों में सपोज 7 दिन आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। सपोज जो भी जितना भी था सिलेबस से लेकर के, जो भी पॉइंट थे, जो भी टॉपिक्स थे, हर एक चीज़ आपने बहुत ढंग से पढ़ी। उसके बाद फिर आप जाओ, जो भी कोचिंग का मटेरियल मिला है उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, DPP सॉल्व करो। फिर उसके बाद जो PYQs हैं, PYQs आपके बहुत मेन रोल प्ले करते हैं जब आपकी रैंक में, क्यों PYQs भाई 10 और PYQs ज़्यादा पुराने नहीं लगाने, मुश्किल से 10 साल पुराने, 10 साल के पेपर उठाओ और उनके सारे PYQ अब सॉल्व करो। बॉस क्या होता है कि यार, हाँ क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होगा गेट में, लेकिन क्या है, उससे ही मिलता जुलता उसी जैसा कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस आप कहते पहचानना होता है क्वेश्चन को कि भाई हाँ, ये उसी कॉन्सेप्ट से है। तो आपको PYQs लगाने बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके टीचर आपके कोचिंग में कोई रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स वगैरह कराते हैं, उसको सॉल्व करो, तब जाके आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ये गलती मत करना कि सिर्फ थ्योरी पूरी पढ़ ली, उसमें जो नोट्स में क्वेश्चन है वो कर ली, हाँ भाई रिवीजन हो गया। पहला रिवीजन इतना अच्छे से करना है कि दूसरे रिवीजन में सिर्फ आपको 2-3 दिन लगने चाहिए। अगर दूसरे रिवीजन में आपको फिर से 10-10 दिन लग रहे, तो फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। इस वजह से पहले रिवीजन में इतना अच्छे से करो, पहले रिवीजन में इतना टाइम लगाओ हर सब्जेक्ट में। यार मैं कुछ सब्जेक्ट आपको बताता हूँ, उसमें ही आपको टाइम लगेगा। CN हो गया, वास्ट सब्जेक्ट है थोड़ा, उसमें आपको टाइम लग सकता है। COA होगा, उसमें आपको टाइम लग सकता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, उसमें आपको टाइम लग सकता है। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं। अब यार जो देखो, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे के लिए एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है। एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर मुश्किल से आपसे हफ्ते भर में आप कवर कर लोगे बड़े आराम से। डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग तो आप 7 दिन में आप आराम से कर सकते हो विद PYQs। PYQs आपको नहीं छोड़ने, PYQs आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज के कई वीडियोस पे बनाए हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे उन वीडियोस से, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी वीडियो है। तो टेस्ट सीरीज ना आप सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पे दो। जैसे आपका सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ, आप तुरंत रिवीजन करके उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है, हो गया। अब ऐसे करते करते सपोज आपके 11 सब्जेक्ट हैं, आपने 11 टेस्ट दे दिए सब्जेक्ट वाइज, एक एक दो दो हर सब्जेक्ट के दे दिए। जो भी मार्क्स है, जो भी आपका मतलब क्या होता है ना, जो भी देखो कैसा क्या स्कोर रहा, कहाँ आपने गलती करी, क्या रिवीजन नहीं किया, ठीक है, उसको कंसिडर कर लो। उसको आप एक डायरी में लिख लो, एक कोई डायरी ले लो उसमें आप लिख लो, या कोई एक्सेल शीट बना, जो भी मार्क्स के लिए एक एक्सेल शीट बना लो वहाँ लिख लो। ये सारी चीज़ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई एक सब्जेक्ट 10 दिन में पढ़ते हो, दोबारा वो सब्जेक्ट फिर कब आएगा, 1.5 महीने 2 महीने बाद आएगा, तो वो सारी चीज़ जो आपने गलतियाँ करी वो आप भूल जाओगे। यार इट्स ऑब्वियस कि कैश मेमोरी अपनी भी है, कुछ ही दिन तक चीज़ें याद रहती हैं, 10 दिन पुरानी चीज़ याद रहेगी, जैसे महीना भर होगा कैश मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है। तो वही वाली बात है ना कि सारी चीज़ें अपना लिखते जाओ। जैसे ही आपका कंप्लीट होते हैं सारे सब्जेक्ट, आप कंप्लीट करते हो, सपोज आपके अक्टूबर में कंप्लीट हो गए सारे सब्जेक्ट, उसके बाद आपने रिवीजन स्टार्ट किया, रिवीजन आपका खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट देते जा रहे हो। सपोज आपका नवंबर या फिर हाफ क्या बोलते हैं दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब बारी आती है आपकी मॉक टेस्ट की। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार शॉर्ट नोट बना लो। यार मेरा मानना है शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प थोड़ी दिन तक ही कर सकते हैं, कि आपने थोड़ा कोई टेस्ट दिया, शॉर्ट नोट पढ़ के दे दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप फुल नोट से ही पढ़ो। हाँ, जब लास्ट के 10 दिन बचे या 12 दिन बचे, उसके लिए आप थोड़ा शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई, कि लास्ट दिन में जब 10 दिन बचे तो उसमें पूरे नोट पढ़ोगे यार तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसके लिए आप थोड़ा शॉर्ट नोट कर लो। पहले से शॉर्ट नोट मत बनाना। अक्टूबर में ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दिया, फुल नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यार फुल नोट्स में आपको पूरे कंसेप्ट पढ़ने हैं, तभी जाके आप शॉर्ट नोट अच्छे से बना पाओगे।
शॉर्ट नोट अच्छे वही बंदा बना पाता है जिसको फुल नोट्स बहुत अच्छे से आते हैं। शॉर्ट नोट इसलिए यूज होते हैं, जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो आप पूरा नहीं पढ़ते हो यार, पूरी नोट्स आप नहीं पढ़ते हो, सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ते हो और तुरंत आप टेस्ट दे देते हो, तो इसलिए यूज होते हैं हमारे शॉर्ट नोट। फिर आते हैं आप टॉपिक पे कि 15 तक आपने सिलेबस कर लिया, आपका पूरा हो गया, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। आप फिर वही बात, डायरी बनाओ एक, आपने सपोज हर एक दिन में आप एक, जैसा आप तुम्हारा पोटेंशियल हो उस हिसाब से आप दिन में टेस्ट दो। सपोज आप दिन में दो दे रहे हो तो एक सुबह कर लो 3 घंटे का, एक शाम को कर लो 3 घंटे का। अब आप 3 घंटे का जब टेस्ट दोगे तो 1 घंटे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, 1 घंटे बाद तक, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट दोगे तो दिमाग थोड़ा वो होता है ना, गर्म हो जाता है। तो उस हिसाब से जो भी पूरा टेस्ट दो अच्छे से बिल्कुल सीरियस होकर 3 घंटे बैठना सीखो, पहले बैठने की आदत डालो 10-15 दिन, और सुबह उठने की आदत डालो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम सुबह पड़ जाता है और आप उठते हो 11 बजे, तो सुबह उठ के पढ़ने की, सुबह उठ के आपको टेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगर सुबह 8 या 9 बजे से हो गया तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है, आप पूरे साल सो के उठे 10 बजे, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। आपको सुबह उठ के टेस्ट देने, तीन सुबह आपने सपोज कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद जो भी आपने सपोज जो भी आपने गलतियां करी, जहां पे जिस टॉपिक में आप अटके, जिस टॉपिक का आप रिवीजन नहीं, आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाया, उससे क्वेश्चन गलत हो गया, सब नोट कर लो यार, सब एक डायरी में नोट कर लो, पहले टेस्ट के मार्क्स कर नोट कर लो कितने आए, फिर दूसरा टेस्ट दो, फिर देखो क्या गलतियां करी, क्या हमने पुरानी वाली ही गलतियां रिपीट करी, और हाँ जो भी गलतियां करना उसको फिर दोबारा इंप्रूव करके जाना, दूसरे टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ दूसरी हो जाए लेकिन वो गलती नहीं होनी चाहिए, तब तो आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर वही गलती फिर दूसरे उसमें हो रही है आपके दूसरे टेस्ट में, तो फिर आप में प्रॉब्लम है। वो सारी गलतियाँ लिखते जाओ डायरी में, और सारा टेस्ट अपना एक एक्सेल शीट बना लो, और हर एक दिन के हर एक टेस्ट के मार्क्स दिखते जाओ, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप अगर जो गलतियाँ कर रहे हो शायद उनको रिविजन करके दोबारा टेस्ट देने जाओगे तो शायद आप इंप्रूवमेंट पाओगे। ये हो गया आपके टेस्ट सीरीज और टेस्ट की बात। अब लास्ट के जब 10-15 दिन बचते हैं, क्योंकि क्या होता है यार, जब लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं तो आपको लगता है बस अब हो जाए एग्जाम, अब बस हो जाए एग्जाम, अब पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन क्या होता है ना, दिमाग में एक अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है कि बस अब खत्म हो जाएगा एग्जाम जल्दी से। तो उस टाइम में आपको बस क्या करना है यार, आपको उस टाइम के लिए आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो। बस आप जैसे लेटे हो, बैठे हो, आप वहाँ पन्ने पलट रहे हो, आराम से देख रहे हो हर कॉन्सेप्ट, जो चीज़ आपको याद, फार्मूला बहुत ऐसे रेयर में फार्मूले होते हैं, हम लोगों ने तो फार्मूले कम ही लोग याद करते हैं यार, वो जितना लॉजिक पे ध्यान दे लो उतना ज़्यादा अच्छा है, और लोग जो भी 2-3 होते हैं वो रट लो यार, सीधी सिंपल बात है, हर चीज़ के लिए तो लॉजिक नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो रटनी पड़ती चीज़ें। तो अब क्या होता है, लास्ट के कुछ महीनों में आप शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करते जाओ 10-12 दिन। अब हाँ, अब जब गेट एग्जाम का 1-2 दिन पहले बचता है तब आपको पढ़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी, तब आप मजे करो, आराम से सो, थोड़ा अच्छी नींद लो आराम से, और सुबह उठने की आदत पहले से ही डालो जैसा मैंने कि बोला, क्योंकि सुबह अगर आपका एग्ज़ाम हो गया आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपको आदत नहीं है सुबह उठ के काम करने की, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये तो सुबह उठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो ये कुछ हो गई यार बातें जो आपके 4 महीने में जो आप कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो यार अपना, ये फालतू की वीडियोज़ देखने में कि यार 25 से 70 मार्क्स आ गए उनके, और फिर देखो अब टाइम तुम्हारा है, अब तुम दूसरे के रैंक AIR 1 देखो यार, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अलग अलग होती है यार, तुम क्या पता कल को तुम अगर AIR 1 लिया तो तुम्हारी स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी, अपनी हिस्ट्री को क्रिएट करो भाई, क्योंकि इतना वीडियोस अगर देखने में तुम टाइम वेस्ट करोगे तो उतने में यार रिविज़न हो जाएगा यार आपका, सीधी सिंपल बात है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने कोई भी बात अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।